हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम गवर्नमेंट से आई हुई काउंसलर और साइकोलॉजी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वैकेंसी में सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। बाकी सारी डिटेल वीडियो में कवर करते हैं। फर्स्ट वैकेंसी है सीनियर कंसल्टेंट की। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकेट्री में। और यहाँ पे सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है? 1,50,000 पर मंथ इतनी आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट वैकेंसी है कंसल्टेंट की है। इसमें भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए साइकेट्री में और सैलरी फ्रेंड 1,00,000 पर मंथ इतनी आपको मिलने वाली है। फ्रेंड उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है काउंसलर की। काउंसलर वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन सच एज MA सोशोलॉजी साइकोलॉजी। और टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पे 35,000 पर मंथ इतनी मिलने वाली है। और फ्रेंड अगर आपका बैचलर डिग्री हुआ है, मतलब आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो बैचलर डिग्री है, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, बैचलर डिग्री में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ पे चाहिए? इन मेंटल हेल्थ वर्क प्रिफरेबली इन काउंसिलिंग में आपके पास 2 साल का। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर साइकेट्रिक नर्स। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्लास होना चाहिए MA होना चाहिए MSc डिग्री इन साइकोलॉजी, फर्स्ट और सेकंड क्लास MA MHW डिग्री इन मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्क या फिर MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। आपकी मास्टर डिग्री फ्रेंड UGC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्ट कितने फ्रेंड? 3 है। आप कोई भी कैटेगरी के हो, आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे 50,000 पर मंथ इतनी मिलने वाली, काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके बाद डिजायरेबल में क्या बताया है? एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी स्पेशली MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क या फिर PhD क्लिनिकल एंड और रिसर्च एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन ये कैसा है? डिजायरेबल पे है, मतलब अगर आपके पास होगा तो ये प्लस पॉइंट मान जाएगा, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये जो जो बताया है ना, उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के, इसमें आपके पास BE होना चाहिए और सैलरी 40,000 पर मंथ इतनी मिलने वाली है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, सैलरी 25,000 पर मंथ। और उसके बाद है अटेंडेंस की, और क्लास 12 आपका 12th होना चाहिए और सैलरी 20,000 पर मंथ में मिलने वाली है। फ्रेशर भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड अभी बात करते हैं इस वैकेंसी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। फ्रेंड ये वैकेंसी कहाँ से आई है? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश स्टेट से वैकेंसी है। फ्रेंड अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड अभी देखते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या बताया है? द अप्लीकेशन प्लेन पेपर मेंशनिंग द पोस्ट शुड बी एड्रेस टू स्टेट नोडल ऑफिसर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नाहरलगुन ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर 2022। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है? आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म लिखना है प्लेन पेपर में, और आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे आपको अच्छे से मेंशन करना है, और आपको ये स्पीड पोस्ट से सेंड कर देना है 25 अक्टूबर 2022 तक। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं? तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है फ्रेंड, ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट 1 कॉपी ईच अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर। तो फ्रेंड आपके पास जो भी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसका आपका एक जेरोक्स सेट आपको लेके जाना है। उसकी उस पर गैजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर होनी चाहिए। और उसके साथ क्या बताया? रेज्यूम बायोडाटा विथ फॉर्मेट एज बिलो। तो कौन कौन से आपको रेज्यूम लेके जाना है बायोडाटा, उसके साथ क्या क्या होना चाहिए उसमें? आपका नाम होना चाहिए, अदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये सब प्रिंट आपको उसमें अटैच करना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, 4 फोटो होनी चाहिए फ्रेंड, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सपीरियंस, ये सब आपको अटैच करना है। और फ्रेंड आपको जेरोक्स सेट यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है? जब भी आप सेंड करते हो ना तो आपको जेरोक्स सेट ही सेंड कर देना है, ओरिजिनल कभी भी सेंड नहीं करना। फ्रेंड ये वैकेंसी कैसे रहने वाली है? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसी है। और इस वैकेंसी का ये प्लेस कहाँ पे है? तो प्लेस बताया स्टेट टेली मानस सेल मेंटल हॉस्पिटल। तो फ्रेंड ये यहाँ पे एड्रेस दिया है, द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी 31 मार्च 2023। इस वैकेंसी का ड्यूरेशन फ्रेंड 31 मार्च तक रहने वाला है, मतलब लगभग 6 to 7 मंथ के लिए ये वैकेंसी है फ्रेंड।
और फ्रेंड जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनकी उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी और वो कब पब्लिश होंगी, 28 अक्टूबर तक ये पब्लिश होंगी। और इंटरव्यू आपका कब होने वाला है, 8 नवंबर 2022 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। नो TADA विल बी प्रोवाइड फॉर अपेयरिंग द इंटरव्यू। तो फ्रेंड आपको TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। और फ्रेंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी है, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू विथ वन वैलिड ID प्रूफ फॉर स्क्रूटनी। इंटरव्यू जाते समय ना फ्रेंड आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो, इन सबका फ्रेंड आपके पास ओरिजिनल सेट होना चाहिए और जेरोक्स सेट भी होना चाहिए। और आपको ये लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम। इंटरव्यू आपका 8 नवंबर 2022 को होने वाला है फ्रेंड। इस एडवर्टाइजमेंट की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड, आप अच्छे से इसे फॉर्म को पढ़ लेना। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।